गुड मॉर्निंग। बहुत देर हो गया, 9 o'clock हो गया। कितना बज रहा है? 9 o'clock हो गया, बहुत देर हो गया। ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल जाना है, जल्दी उठो, थोड़ा मोबाइल देख लो। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया है? चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, देरी हो रही है, लेट हो जाएगा। मिरर में देख लें, बाल वाल ठीक है तो कंघी कर लें। तो किचन में चलते हैं। जल्दी चलो, देरी हो गई। नहाऊं? चलो नहीं नहाऊंगी, देरी हो जाएगा। ब्रश करें? चलो ब्रश भी नहीं करते हैं। चलो थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ। जो किचन में डुगू, उठ जाओ बेटा, थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन बहुत देर हो गया, रख देती हूँ झाड़ू, बाद में लगाऊंगी। किचन में आ, अरे किचन तो पोछी ही नहीं, ऐसे ही चाय बैठा दी। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चाय पहले पीऊंगी, उसके बाद कोई काम करूंगी। अरे ये तो रात को चूल्हे पे से मैं उतारी ही नहीं थी, तो चूल्हे पे ही रखा रह गया। मेरी माँ कहती है कि चूल्हे के ऊपर भार नहीं रखते हैं, ये तो मेरे से गलती हो गया, अभी हटा देती हूँ। जाओ, मैं तो किचन का सेल्फ और चूल्हा वगैरह तो पोछी ही नहीं। चलो ठीक है, बाद में पोछूंगी, क्योंकि बच्चों का देरी हो जाएगा, हस्बैंड का देरी हो जाएगा, बाद में करूँगी। ब्रश भी बाद में करूँगी और बाथ भी बाद में करूँगी, स्नान अभी नहीं करूँगी। चलो पहले चाय पी लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बर्तन भी बहुत सारे जूठे हैं तो बर्तन भी धोने हैं मुझे, सब बाद में करूँगी। पहले इन लोग की विदाई करती हूँ, उसके बाद मैं हर कार्य करूँगी। तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। पहले ले लेते हैं, चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई कार्य करूँगी। झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ, देरी हो रही है। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी। चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, चलो न्यूज़ देख लेते हैं सुबह सुबह। लेकिन वही टेंशन हो जाता है, सुबह सुबह न्यूज़ देखो एक बार तो फिर टेंशन होने लगता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। ओहो बहुत देर हो रही है, पूजा करना है, झाड़ू लगाना, सारे कार्य पड़े हैं और मैं चाय लेके बैठ गई। थोड़ा मोबाइल देख लूँ, यूट्यूब देख लूँ। मुमताज वे, पहले देख लेती हूँ कमेंट्स दे दूँ या लेट हो जाएगा। चलो कम रिप्लाई नहीं दूँगी कमेंट्स का, बाद में दूँगी समय मिलेगा तो, अभी लेट हो जाएगा। सबसे पहले झाड़ू लगाऊँगी, देर हो रही है। उठा लो कचरा, चलो अंदर डस्टबिन में डाल दूँगी। अब जा रही हूँ ब्रश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि हम महिलाएं जो लापरवाही से हम लोग रहते हैं, सभी नहीं रहते हैं, देखिए हर आदमी के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, लेकिन जिनके द्वारा गलतियाँ जानबूझकर नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा लापरवाही की वजह से कैसे होती हैं, आपने देखा ना कि मैं कैसे एक के बाद एक गलती करते गई। सबसे पहले कि सो के उठी देरी से, और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती आप लोगों ने देखा कि मैं 9 बजे सो के उठी, 9 बजे सो के उठने के बाद पहले मोबाइल थोड़ा बहुत तो बेड पर ही देख ली,
तीसरी गलती क्या कि आके शीशा के सामने पहले से अच्छे से सज संवर गई, फेस देख ली, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है सुबह उठते ही शीशा देखना। चौथी गलती क्या कि ब्रश नहीं की, बिना ब्रश किए मैं किचन में चली गई, झाड़ू भी नहीं लगाई। उठते ही महिलाओं को सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, सूर्य भगवान अगर कहीं दिखते हैं तो दर्शन करने चाहिए। मैं अपना हाथ भी नहीं देखी, सबसे पहले उठ के और किचन के तरफ ही भाग के जा रहे, क्योंकि देरी हो गया है और लेट होगा, देरी होगी तो हम लोग तो भागेंगे ही, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ध्यान से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाई, जिनके द्वारा ये गलतियाँ सुबह सुबह होती हैं वो मेरी बहनें ध्यान रखेंगी। तो अगर समय से उठेंगे तो हर कार्य मुझे याद रहेगा, हर कार्य मैं अच्छे से करती, लेकिन मैं गलती से देरी से उठी हूँ तो देखिए सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। और फिर हम कहेंगे कि हमारा किस्मत कहाँ छोटा हो रहा है, क्यों हमारे घर परेशानी आ रही है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बिना ब्रश किए किचन में चली गई, झाड़ू भी नहीं लगाई, वो भी देरी हो गया था, झाड़ू लगाती तो बच्चों का स्कूल छूट जाता, हस्बैंड का ऑफिस का देरी हो जाता, और उसके बाद सबसे पहले गैस चूल्हा को सेल्फ को मैंने साफ भी नहीं किया और उसके ऊपर चाय बैठा दी या गर्म पानी भी कई लोग बैठ मतलब पीते हैं तो गर्म करके वो कर दी, कहीं पोछी नहीं, कहीं कुछ साफ नहीं की, बस कुल्ला की और चली गई। और उसी तरह मैं सारा भोजन बना रही हूँ, स्नान भी नहीं की हूँ, पूजा तो बहुत दूर की बात है, स्नान भी नहीं की और जाकर मैं चाय पी ली, टीवी थोड़ा सा देख ली, जो ही समय मिला उसमें टीवी ही देखना सबसे अधिक ज़रूरी है। ऐसे तो सभी महिलाएँ नहीं देखती, लेकिन कई ऐसे लोग हैं उन्हें लगता है कि सुबह सुबह न्यूज़ थोड़ा देख लें, तो टीवी देख ली, मोबाइल देख ली, गलतियाँ पे गलतियाँ मैं किए जा रही हूँ, भोजन बना रही हूँ बिना ब्रश किए, टेस्ट भी कर रही हूँ। एक तो भोजन को हमें जूठा नहीं करनी चाहिए, टेस्ट नहीं करनी चाहिए, दूसरे में मैं बिना ब्रश किए उसको टेस्ट भी कर ली। तो बताइए हमारे घर में लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैं एक भी लक्षण वाले काम तो की ही नहीं, सारे कुलक्षण वाले काम करते चली गई, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि महिलाओं के धर्म से ही घर को आगे बढ़ना है। और ये गलतियां हमारे द्वारा होते जा रही है, कहाँ देरी हुई है, सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि देर से सोकर उठना, एक उठी हूँ देर से सोकर। तो देखिए हर चीज़ आपके द्वारा गलती होते जा रही है, झाड़ू भी लगाई तो कचरा लेके घर में आ गई, क्योंकि डस्टबिन में डालना है। तो इसलिए आप लोग बाहर का कचरा बाहर ही निकाल दीजिए, वहीं पेपर में लपेट के थोड़ा सा बाहर ही रख दीजिए जो झाड़ू मार के निकाली है, बाकी डस्टबिन अगर कुत्ता बिल्ली बाहर फाड़ देते हैं डस्टबिन वाला कचरा तो वो बाद में आप लोग रखिएगा, लेकिन जो घर से निकाली है बासी घर नहीं रखनी है। मैं बता चुकी हूँ काम वाली भी आती है, मेड आपके घर आती है, चलो कोई बात नहीं, आप अपनी द्वारा ज़रूर झाड़ू लगाइए और थोड़ा सा ही कचरा है बाहर एक पेपर में कागज़ में लपेट के रख दीजिए, घर में लेकर उसको वो दरिद्रता का रूप मानते हैं कूड़ा कचरा को, तो घर में लेकर वापस नहीं आनी है। सारी मैं गलती की हूँ, आप देखें ना एक के बाद एक, सबसे पहले बाल संवार रही हूँ, शीशा देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, बिना ब्रश किए किचन में चली गई, बिना चूल्हा पोछे, हर चीज़ गलतियाँ पे गलतियाँ किए जा रही हूँ, बासी कपड़े में बासी मुँह से मैं भोजन भी बना दी, जूठा भी भोजन को कर दी, तो सुख समृद्धि कहाँ से आएगी, आएगी आप खुद सोच के देखिएगा। इसलिए आज ये ऐसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो आज करके दिखाई हूँ कि देखिए एक देरी से सोकर उठने का क्या नतीजा होता है। जिनके छोटे बच्चे हैं मानते हैं और रात में उठ जगते हैं, या जो सर्विस कर रहे हैं, जो महिलाएं वर्किंग हैं, थोड़ा बहुत देरी हो जाती है, लेकिन अगर बहुत अधिक देर से हम उठेंगे ना तो बहुत दिन नहीं लगेगा, एक महीने के अंदर 15 दिन के अंदर आपको अपने घर में ना लगेगा कि मतलब प्रोग्रेस ही रुक जाता है, परेशानी बढ़ती ही जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं से आएगी। फिर हम सोचेंगे कि हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो, पूजा करने से नहीं होगा, सारे नियम धर्म लक्षण हम महिलाओं के अंदर ही हैं। बर्तन भी मैं नहीं धोई, बर्तन भी नहीं धोई, जूठा बर्तन किचन में रखा हुआ है, उसी तरह मैं खाना बनाने लगी, रात को गैस चूल्हे के ऊपर से मैं दूध का पतीला भी उतार कर नहीं रखी, जो कि हमेशा हमारे बड़े लोग, हमारी माँ, हमारे घर के लोग कहते हैं कि चूल्हा को कभी भार चढ़ा कर रात में ना छोड़ें, और वो मैं सारी गलती ही की हूँ, अब देख लिए ना, तो समझ में आ गया। जो ही मेरी बहनें मतलब मजबूरी में गलती हो तो वो मानते हैं, छोटे बच्चे हैं कभी रोने गाने लगते हैं, आदमी को नींद लग जाए वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर अगर हम गलतियां करते हैं तो आप चाहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, कभी नहीं होगी। तो हमें गलतियों को सुधारने के लिए हमें कौन कौन से अच्छे कार्य करने हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि आप लोग को समझाऊँ, कि आप लोग ऐसे कहती भी हैं कि दीदी अपना डेली रूटीन दिखाइए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सुबह के कार्य अपने जल्दी से निपटाने हैं, तो उसके लिए अगला
अगला वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों की आँखें खुल जाएंगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।